अस्सलाम वालेकुम, जेएनएन के साथ मैं हूं नौशीन तारिक। बुलेटिन का आगाज करेंगे और आपको बताएंगे कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर और कायदे हिज़्बे ख़िलाफ़ शहबाज शरीफ ने तारीखी बजट खजारे को हुकूमती दावों की तरदीद करार दे दिया। शहबाज शरीफ का कहना है कि तारीख में पहली बार बजट खसारा मुल्क की GDP के 10% से भी ज़ायद होना कोरोना से भी ज़्यादा परेशान कुन है। गुज़िश्ता वर्ष बजट 7.1% होने का हुकूमती दावा गलत साबित हुआ। ये GDP का 9.1% है। इस साल हुकूमत का दावा बजट खसारा 9.1% का है। आज़ाद माहरीन मआशियात के नज़दीक ये GDP के 10% से ज़ायद होगा। ये भी साबित हो गया है कि तारीखी बजट खसारा कोरोना वबा से पहले ही हमारी मईशत चाट चुका था। बजट अदादोशुमार गवाही दे रहे हैं कि कोरोना वबा से पहले ही बजट खसारा बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुका था। मौजूदा हुकूमत बजट खसारा के अलावा भी गर्दशी कर्जा काबू करने में नाकाम रही। मुस्लिम लीग नून हुकूमत के मुकाबले में PTI हुकूमत के दौर में गर्दशी कर्जा 3 गुना रफ्तार से बुलंद तरीन सतह 2.1 खरब रुपए पर पहुंच चुका है। हमजा शिबाज की जमानत बाज़त गिरफ्तारी की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली हमजा शहबाज की जमानत की दरख्वास्त पर 25 जून को समाअत होगी। जस्टिस मुशीर आलम, जस्टिस फैसल अरब और जस्टिस याहिया आफरीदी केस की समाअत करेंगे। जमीयत उलमा इस्लाम बलोचिस्तान के ज़हरे तमाम बलोचिस्तान के महरूमियों और 18वीं तरमीम के मामले पर इस्लामाबाद में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की सदारत मौलाना फजल रहमान ने की। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस JUI सब सेक्रेटरीट I-94 इस्लामाबाद में मुनक्किद हुई, जिसकी सदारत मौलाना फजल रहमान ने की, जबकि JUI बलोचिस्तान के अमीर मौलाना अब्दुल वासे सेक्रेटरी जनरल आगा महमूद शाह ने APC की मेज़बानी की। APC में बलोचिस्तान से ताल्लुक रखने वाली अपोजिशन जमातों के कायदीन शरीक हुए, जिनमें मिल्ली अवामी पार्टी के सैनीटर उस्मान काकड़, नेशनल पार्टी से सैनीटर मीर शाही कबीर, सैनीटर मोहम्मद मालिक, जबकि हकूमत के इतिहादी नाराज जमात के सरबराह सरदार अख्तर मेंगल भी कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। APC में NFC वार्ड बलोचिस्तान को दरपेश मसाइल, CPAC समेत दीगर इश्यूज जहरे बहस आए। सदारती रेफरेंस के खिलाफ दरख्वास्तों पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला। ज़राए के मुताबिक FBR में फैसले पर अमल दरामद के लिए इकदाम शुरू कर दिए। FBR का तहकीकात के लिए खसूसी टीम तश्कील देने का फैसला किया गया। तहकीकात का दायरा कार पूछगिछ के प्रोटोकॉल तय किए जाएंगे। केस की फाइल को अहलिया फाइज ईसा डिक्लेरेशन केस का नाम दिया गया। FBR कल इतवार को तहकीकात की मजीद हिकमत अमली तय करेगा। तहकीकती टीम के सरबराह और अरकान के नामों को भी तायुन किया जाएगा। कमिश्नर इनकम टैक्स रीजनल टैक्स कमिश्नर को टीम सरबराह का मुकर्रर किया जा सकता है। टीम सरबराह के लिए कस्टम्स और ISI इंटेलिजेंस का तजर्बा लाजमी करार दिया गया। मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन रावलपिंडी ने लहतरार रोड झंगी सईदा में 20 साल से कब्जा शुदा 148 कनाल जमीन वागुजार करवा ली। जल्द चार दीवारी तामीर करवाएंगे। मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन रावलपिंडी ने 20 साल पुरानी कब्जाशुदा जमीन वागुजार करवा ली। इस्लामाबाद जंगी सईदा में 148 कनाल जमीन जंगी सईदा के बासर अफराद ने कब्जा किया हुआ था। जमीन में खेती बाड़ी करते थे। जंगी सईदा की इस जमीन को वागुजार करवाने के हवाले से मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन की यूनियन म्यूनसिपल वर्कर लीग CBA का दरीना मुतालबा भी था। कमिश्नर और एडमिनिस्ट्रेटर मेट्रोपॉलिटन मोहम्मद महमूद के सख्त अहकाम की रोशनी में MOR मलिक तौसीफ ने कमाल जुरत और बहादुरी का मुजाहरा करते हुए यूनियन नुमाइंदगान हाजी फारूक और नज़ीर ज़ादा खान की मौजूदगी में ज़मीन का कब्जा लिया। मकामी अफराद ने मुज़ाहमत की कोशिश की, जिसे इस्लामाबाद चक शहजाद पुलिस ने नाकाम बना दिया। इस्लामाबाद के मकामी और मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन के पटवारी चौधरी अजहर ने मजीद तनाज़ा को कम करने के लिए मुल्कती लट्टा निकाल कर पैमाइश की और निशानदेही करने के बाद तनाज़ा खत्म करवा दिया। इस मौके पर चक शहजाद पुलिस और मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन इंतजामिया की भारी नफरी मौजूद थी। मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन इंतजामिया का कहना है कि बहुत जल्द चार दीवारी का काम भी मुकम्मल कर लिया जाएगा। अब बात करते हैं कुछ मौसम की। गुज़िश्ता रोज जुड़वा शहरों में होने वाली बारिश ने मौसम खुशगवार कर दिया। गर्मी का जोर टूट गया।
इस्लामाबाद और रावलपिंडी में गुज़िश्ता रोज़ होने वाली बारिश से मौसम सुहाना हो गया। बादलों की आंख मचोली, महकमे मौसमियात के मुताबिक जून के आखिरी हफ्ते में मानसून की बारिशों की पेशनगोई, जबकि सुबह सिंध और बलोचिस्तान में मौसम शदीद गर्म रहेगा। ताहम इस्लामाबाद, बलाई पंजाब, कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। इस्लामाबाद में कम से कम दर्जा हरारत 27 और ज़्यादा से ज़्यादा 38, जबकि हवा में नमी का तनासब 35% रिकॉर्ड किया गया। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला जारी है, यहां वक्त हुआ है एक ब्रेक का। We'll be right back।